चल ये बनवा रहे हैं, लेकिन इस मुर्गी को तो देखो बेचारे को पोलियो। जल्दी करो भाई, टाइम आवर और होने वाला है। बस जा रहे हैं भाई, रात को देर हो गया, जल्दी करें ना। अंडे लेने हैं, छा दे वारी। बीस घना परसेंट है। टेस्ट है। एसजीबीटी कटरी। मामू को ना मलेरिया हुआ था, तो अभी उसके टेस्ट देख रहे हैं। अभी अंडे लेने आए, यहाँ पर अंडे भी पड़े हैं दुकान के लिए। मलेरिया नेगेटिव। मलेरिया भैया। मामू जल्दी कर लो। कल मांगे चाहिए ना? चाहिए। इनको लगा था? एडे। हाँ। इनके साथ में। भैया एक दिन ना। वो दुकान खुलेगा या नहीं? यही से दे देंगे, ये वाले अंडा यही है सर, यही अंडे देंगे सर। ठीक है ठीक है, थैंक यू। असल में ना देर हो रहा है, गांव के आए देर ये अपना शहर है ये, वरना हमारे घर है भाई। कभी 9 बजे आते हैं, कभी 8 बजे 10 बजे यहां से चले जाते हैं। नहीं असल में मैं तो कभी नहीं आया हूं ना, इसलिए कह रहा हूं। आज तो जुमा है, इस वजह से दुकान सारे बंद हो गए। चाय आप कहां से? मैं भी यहीं से हूं, मामू वाले के साथ रहता हूं, लेकिन मैं तो कभी आया नहीं हूं इसलिए। अगर तेरा नहीं आया हो क्या कभी? चाय भी पी लें भाई वालों की, बहुत अच्छी चाय है। नहीं उस दिन अभी भी मैं चाय पी कर आया हूँ इसकी दुकान से। ठीक है, इसके दुकान से? हाँ। हम तो यहीं पर है, एक घंटा हो गया यार। सर इसका भाई ठहरा हुआ है, चोरी चला गया था। अच्छा, चोरी से भी वापस आया है। सही सही, वापसी में आ रहा था, मगर जिस इसने पिलाई थी ना वो चाय नहीं थी। नहीं असल में हमारे स्टाफ पे सही चाय मिलता है। ये वाले अंडे, ये वाले टूट गए, टूटे हुए खराब हो गए। अच्छा सर, ये लो, वो भी थोड़ा सा खराब है, देख लेना कपड़े में लग जाएगा। ये क्या है? टेस्ट वाला है ना? टेस्ट वाला ये टेस्ट वाला है, अंदर रख लो ना लिफाफे के। तो यहाँ से अंडे अपने बांध रहे हैं, अंडे बांध दे फिर चलते हैं। वो एक टूटा हुआ था ना, अंडे तैयार हो जाएं, हम अंडे लेने आए हैं। अभी रात को देर हो रहा है, ये देख लें इस साइड पे पूरा शहर अंधेरा लग गया है। ये अभी दुकान पे बंद हो गए हैं इस साइड वाले। सो ये हमारी डीसी चौक है, आई थिंक मजदूर चौक, सॉरी। तो अभी अंडे ले के फिर चलते हैं भाई। ये जो अंडे पड़े हैं ना, कोई ऐसे ना हो कि इसके ऊपर से गुजर जाए, ख्याल करो। ये वाले अंडे नीचे पड़े हैं ना, ये उठा ले। वो भाई ने रख दिया, आप ऐसे ना हो कि कोई इसके ऊपर लात रख दे। 10 से 15 अंडे गायब। अपने वाले अंडे ये है ना, ये वाले तैयार कर। एक तो सर्दी भी बहुत ज्यादा है। नहीं आप चलाओ, आप बाइक चलाओगे? नहीं नहीं आप चलाओ, नहीं नहीं आप चलाओ, नहीं असल में सर्दी बहुत ज्यादा है इस टाइम। आप भी चलाओ। नहीं आप चलाओ, चलें लो। ये मुझे ले लो, ये हमारी टार्जन है। हाँ बहुत सर्दी है ना, इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन मान ही नहीं रहा। आप कौन सा बूढ़े हो गए, 60 साल 70 साल से गिरास हो। आप ही चलाओ, आप चलाओ। एक तो इसका हालत देखो ना बेचारे के, अंडे दिख रहे अंदर। कुछ नहीं हो, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा, सब कुछ नॉर्मल है। हाँ नॉर्मल तो है ना, देखो फुल आदमी है। तो अभी अपने टार्जन पे मैं बैठता हूँ। टार्जन पे बैठ गया भाई, टार्जन निकाल लेते हैं। अभी अंडे ले के चलते हैं शॉप पे, फिर वहाँ पर मिलते हैं हम आपसे। तीन लेंगे ना? खत्म हो गए चाट? खत्म हो? नहीं चाट चाट ले लो,
चाट खत्म हो गया भाई। क्या कहते हो फिर, क्या ले? समोसा ले। समोसे तो फिर अपने भी शॉप पर। फिर क्या दे ले? बस चले फिर। चले चले, ये भी हमारी नसीब। एक तो ना वहाँ पर हमें ये चाट था जो मुझे अच्छा लगता है वो नहीं मिला हमें। अभी यहाँ से ये बेगरत गाड़ी वाले, ये वाला 150 और ये 1500। ये देख ले भाई, पाकिस्तान में 1500 का बन गया ये वाला सिर्फ ये। तो फिर क्या लेने का? एक राम ले लो। टिक्का टिक्का ले रहे हैं। इस मुर्गी को पोलियो हुआ था क्या? अपने लिए एक ये बनवा रहे हैं, लेकिन इस मुर्गी को तो देखो बेचारे को पोलियो हो गया। कौन सा वाला? ये 50 रुपए ज्यादा बता रहा है। ये वाला इधर का भी खा के देखी, ये भी खा के देखी, इधर वाला भी खा के देखी, ये वाला भी। चले इसमें मसाले बहुत कम करते हैं। एक तो ना सर्दी पे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, टांडे आपकी बात सही है। इनमें वजन बहुत ज्यादा है ना, पहले लिया था ये भाई 1500 का है, जिसको भी लेना है 1500 का। चलो ये अपना एक टिक्का तैयार हो जाए, फिर टेस्ट करते हैं कैसे है इसका टेस्ट। ये एक ऑर्डर पैक कर रहा है जो कि काफी टेस्टी लग रहा है। अभी हमारा यहाँ से तैयार हो रहा है, दो और पड़े हैं, ये दूसरों की हैं। तो अभी अपना भी तैयार हो जाता है, फिर देखते हैं भाई टेस्ट करते हैं इसका टेस्ट कैसे टेस्ट रहेगा। तो अभी तैयार हो जाए यार, ये अभी तक तैयार नहीं हो रहा, घर के लिए लेट भी हो रहा है, टाइम देख लो। ये टाइम आप लोगों के लिए मतलब के सवेर है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा देर हो गया, क्योंकि हम गाँव से बहुत ही ज़्यादा दूर, गाँव दूर है यहाँ से। तो हमारा यहाँ पर ये तैयार हो गया है भाई, डब्बे में पैक कर ले, फिर चलते हैं घर टेस्ट करते हैं इसको भाई। अच्छी तरह मसाले लगा लेना यार। तो फिर अभी घर चलते हैं, इसको टेस्ट भी करते हैं, और दुकान पर जाके ये अपने अंडे हैं ये भी रख लेंगे। एक तो हमारे के ना मतलब बहुत ही ज़्यादा देर हुआ है हमको। सो इस रेस्टोरेंट से ले रहे हैं, अगर आप लोग हमें डेरा मोरा जमाली से देख रहे हैं, ये गुजर होटल है। तो ये हमारा डब्बा पैक हो गया है, अब चलते हैं घर की तरफ। सो यार फाइनली पहुंच गए, इसका सीट देख लो, फाइनली अपने दुकान पे पहुंच गए, और यहाँ पर हमारा दुकान बंद हो रहा है। हाँ भाई जल्दी बंद करो, घर चले, और अंडे भी यहाँ पर पड़े हैं। तो अभी रिसेंटली अभी पहुँचे, और एक ना आज बहुत ही ज़्यादा यार सर्दी है, बहुत ही ज़्यादा, और यहाँ से हमारा दुकान भी बंद हो रहा है। मामू वहाँ पर चला गया, ये भी हमारा छोटा बच्चा है। तो अभी घर जाते हैं, वो चपली कबाब इसका है, लेकिन दोनों का है, लेकिन दोनों का है मतलब दोनों का है। तो अभी चलते हैं घर की तरफ, ये दोनों बाइकें खड़े हैं, मामू का बेटा। सो दोनों मामू के बेटे हैं। सो यार फाइनली दुकान बंद हो गया, अब चलते हैं अपनी बाइकों की तरफ। हाँ भाई चलें, अभी आप ड्राइव कर लो, वहाँ से तो मैं ड्राइव कर रहा था। बहुत ही ज़्यादा सर्दी लगा है मुझे आज। क्या हुआ है? सर्दी लगा है ना, बहुत ही ज़्यादा सर्दी था। ये मेरी कोट में ना एक तो वो नहीं है, बाजू नहीं। सर्दी है? अच्छा तो ये क्या है, ये आपने क्या पहने हैं? ये तो मैंने ऐसे ही पहना हुआ है। अच्छा ये आपने ऐसे पहने, चले ऐसे लग रहा है कि आप मरी में खड़े हैं। हाँ भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ। वैसे सर्दी नहीं होती है, जब बाइक पर चढ़ते हैं तो सर्दी लगती है। अच्छा सही, बैठ जाए, हंस रहे हो मेरे। अभी बैठते हैं अपने बाइक पे, चलते हैं घर की तरफ। अब घर की तरफ जाते हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ। चलो मामू आप आ जाना इसके साथ। अभी जा रहे हैं घर की तरफ, और ना आज बहुत ज़्यादा मैंने घूमा है, और बहुत ही ज़्यादा आज सर्दी था। अभी जा रहे हैं घर की तरफ। हाँ तो गाइस फाइनली अभी रिसेंटली घर पहुँच गए हैं। सो यार शहर में थे, जैसे आप लोगों को पता हो कि वहाँ पर ना 6 बज रहे थे। सो अभी यहाँ पर मेरे मोबाइल में देख लें कितना है टाइम।
अभी मतलब कि अभी घर पहुंच गए। सो यार रास्ते में ना बहुत ही ज़्यादा धूल था और मैं बहुत ही थका हुआ हूँ। सो खाना वगैरह खाने के बाद मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मुखातिब हो जाऊँ। सो आज की अगर व्लॉग अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं अपने चैनल पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ, आप लोगों के सिर्फ सपोर्ट चाहिए। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।